एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुप्रयास ब्लॉग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रिक्रिएशन। मैंने आप लोगों से पूछा था ना कि आप रिक्रिएशन वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं, और आपने से बहुत सारे लोगों ने बोला था कि जी हाँ। अगर आपको नहीं पता मैंने कहाँ पूछा था, तो मैं बता दूँ कि मैं कम्युनिटी में पोस्ट करके पूछती रहती हूँ कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। तो ये रिक्रिएशन वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई है, क्योंकि रिक्रिएशन करने के लिए आपको अथॉरिटी की जरूरत होती है। अगर आप उनकी फोटोज को यूज करते हैं तो मुझे अथॉरिटी लेनी पड़ी। मैंने काफी सारा कुछ सोचा था लेकिन ही मिल पाई। आज की वीडियो जो है वो सुपर स्टाइल टिप्स कोमल की है। सिर्फ उन्होंने मुझे अथॉरिटी दी, क्योंकि वो मेरी दोस्त है, तो उनसे ऑथोराइजेशन लेना थोड़ा सा इजी होता है। जस्ट उनको कॉल करो और ऑथोराइजेशन ले लो। अदरवाइज बाकी यूट्यूबर से ऑथोराइजेशन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कभी वो रिप्लाई करते हैं, कभी नहीं करते, और ऐसे हम किसी का कंटेंट यहाँ पर नहीं डाल सकते विदाउट एनी ऑथोराइजेशन। तो उन्होंने दे दिया था तो इसलिए लिया। उन्होंने नहीं, उसने, वो मुझसे एज में छोटी है। और दूसरी चीज, ये उसका बर्थडे गिफ्ट है। उसका बर्थडे 30th को आने वाला है, कमिंग 30th को, तो ये उसके लिए है। तो आई होप उसे पसंद आया है। अगर कोमल पसंद आए तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा और क्या क्या गलती है, वो भी बताना। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि ये वीडियो सिर्फ फन वीडियो है। इसमें मैं ये नहीं बताने वाली कि मैं बिल्कुल उसके जैसे लगती हूँ। उसका और मेरा तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो कहाँ स्लिम ट्रिम और मैं मोटी ताजी, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। ऑब्वियसली वो एज में भी मुझसे काफी ज्यादा छोटी है, मैच्योरिटी लेवल भी उसका, मतलब उसका फेस पे मैच्योरिटी भी कम है। तो ये वीडियो सिर्फ एक फन वीडियो है और एक तरह से बर्थडे गिफ्ट लगा लीजिए। तो प्लीज नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिएगा। तो चलिए ज्यादा डिले ना करते हुए देख लेते हैं कि मैंने कैसे किया। सो गाइस, फाइनली रिक्रिएशन जो है वो हो चुका है डन। तो जो सबसे पहली पिक्चर थी वो थी ये। इस पिक्चर के लिए मुझे चाहिए था एक वाइट टॉप जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ हो, राउंड शेप में। मेरे पास नहीं था, ना ही मेरे पास कोई बेसिक वाइट टॉप था। तो मैंने यहाँ पर टी शर्ट ली है मेरी वाइट कलर की, जो मैंने स्प्लैच से परचेज की थी थोड़ा टाइम पहले ही। और साथ में मैंने जो यहाँ पर नैरो बॉटम पजामा है वो मेरे पास नहीं था, तो मेरे पास एक जिवामे का एक नाइट सूट का पजामा था जो नैरो बॉटम था, लेकिन वो ग्रे कलर का नहीं था, ब्लू कलर का था, और उसके ऊपर हल्के हल्के प्रिंट थे। सॉर्ट ऑफ बिल्कुल वैसे ही लग रहा था जैसा कोमल ने पहना हुआ था। तो सेम वैसा करके कुछ ऐसी रिक्रिएशन निकल के आई है। वो कुछ ऐसे आई है, नो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्लिम ट्रिम है। मैं थोड़ी सी दिखने में उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा हैवी हूं, लेकिन मैंने ट्राई किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट रिक्रिएशन की तरफ। जो रिक्रिएशन है कुछ ये है, और इसके लिए मुझे, उन्होंने सेम टॉप ही पहना हुआ था और नीचे उन्होंने डेनिम पहनी हुई थी। सेम डेनिम मेरे पास नहीं थी, लेकिन हाँ सॉर्ट ऑफ थी, तो डेनिम सबके पास होती है, वही लाइट कलर की डेनिम मैंने पहनी। और साथ में कुछ मिलते जुलते मेरे पास स्लीपर्स भी थे, तो स्लीपर्स भी मैंने पहने हैं। और साथ में जो पर्स था वो उनका शायद क्लब फैक्ट्री का था या शीन का था। मेरे पास सेम पर्स नहीं था, लेकिन ब्लैक कलर का एक स्लिंग बैग था, तो उसको मैंने कैरी किया है। और कुछ रिक्रिएशन जो है वो निकल के ऐसी आई है। तो आगे बढ़ते हैं थर्ड रिक्रिएशन की तरफ। थर्ड रिक्रिएशन में उन्होंने एक ब्लैक कलर का गाउन पहना हुआ है, मैक्सी ड्रेस पहनी हुई है। आई थिंक ये शीन हॉल की वीडियो का पिक्चर के दौरान ये ली गई है पिक्चर। तो वैसा ही एक मिलता जुलता कुछ मैक्सी ड्रेस मेरे पास भी था, तो सेम मैक्सी ड्रेस तो नहीं, मिलता जुलता मैक्सी ड्रेस मैंने पहना। और मैंने बैक इफेक्ट देने के लिए अपनी जो बालकनी है, मेरी जो बालकनी का दरवाजा है, उसका इस्तेमाल किया। और मैंने ये रिक्रिएशन क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन धूप बहुत ज्यादा तेज थी, तो इस वजह से ऐसा कुछ लुक निकल के आया है। मैंने इस लुक में दो तीन पिक्चर लेने का सोचा था, और दो तीन फोटोज भी उनकी इस लुक में थी, लेकिन बाहर धूप बहुत ज्यादा थी। मतलब पुणे में भी रहते हुए 45 डिग्रीज यहाँ पे टेम्परेचर, और गर्मी में हालत बहुत ज्यादा खराब है। इस वजह से मेरी जो दूसरा फोन था वो भी कैप्चर नहीं कर पाया कि कितनी ज्यादा धूप में मैंने की थी। और ये जो एक सिंगल लुक क्रिएट करने के लिए, एक पिक्चर क्रिएट करने के लिए मुझे इसमें आधा घंटा लगा, तो बाकी दो फोटोज के लिए मुझे कम से कम 2 घंटे लगते। तो मेरी इतनी हालत नहीं थी कि इतनी कड़कती धूप में दोपहर के 3 बज रहे हैं तो वो रिक्रिएट करूं। तो इसलिए मैंने अंदर आके एक व्हाइट बैकग्राउंड में ये फोटो क्लिक की है। तो
आई होप कुछ मिलती जुलती होगी। मेरा मन था मैं और ज्यादा फोटोज को रिक्रिएट करूं, लेकिन अकेले फोटोज ज्यादा रिक्रिएट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। कोई नहीं है यहाँ पर जिसे मैं बोलूँ कि हाँ मेरी हेल्प कर दे। तो ये फर्स्ट वीडियो है, रिक्रिएशन वीडियो। अगर आप यहाँ पे इस वीडियो पे मेरा रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो मैं किसी की हेल्प लूंगी, अदरवाइज अगर नहीं अच्छा लगता, ये सिर्फ मैंने आप लोगों के डिमांड के ऊपर रिक्रिएशन किया है। अगर पसंद आए तो लाइक दे देना, बहुत एफर्ट लगता है और अकेले में रिक्रिएशन करना और ज्यादा डिफिकल्ट होता है। यहाँ पर कोई नहीं है मेरी हेल्प करने के लिए और सिर्फ एक वीडियो के लिए मैं किसी को नहीं बोल सकती कि मेरी हेल्प कर दो। तो अगर आपको आपको ये रिक्रिएशन अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं मैं इसे कंटिन्यू करूं तो मैं जरूर डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ करूंगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फटाफट से लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को हिट कर ले, बेल बटन को भी क्लिक कर ले ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और हम इस तरीके से मिलते रहे। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अनुप्रिया व्लॉग्स, तो वहां पे भी फटाफट से फॉलो कीजिए। तो मिलती फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। सो गाइज, रिक्रिएशन के बाद कुछ ऐसी हालत होती है रूम की।